हाय एवरीवन, दिस इज युक्ति बेलवाल और इस वक्त मैं जॉर्जिया की सिटी बातुमी में हूँ। बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विच इज अ पार्ट ऑफ बाउ ग्लोबल। इसका जो मेन यूनिवर्सिटी है ये इस्तानबुल में है, टर्की में, और ये इनकी ब्रांच है जो इन्होंने जॉर्जिया में बातुमी सिटी में खोली है। सो बेसिकली ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज नॉट अ जॉर्जियन लोकल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से बहुत सारी फैसिलिटीज है जो बच्चों को मिल सकती है बिकॉज ऑफ दिस बीइंग एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सो जब हम इंटरनेशनल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सिटी के नाम में इंटरनेशनल होता है, इसका मतलब जो है उनका करिकुलम भी इंटरनेशनल है, वो फॉलो करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। उनका करिकुलम में भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनेशनल करिकुलम से के स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। प्लस क्योंकि इनकी मल्टीपल कंट्रीज में ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पे जो ये सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। इसकी एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि ये लोग फ्री USMLE कोचिंग करवाते हैं। इनका एक ब्रांच वॉशिंगटन DC में भी है, तो इसकी वजह से वो सारे रिसोर्सेज और डेटाबेसेस अवेलेबल होते हैं फॉर स्टूडेंट्स, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स की नीड होती है कि उन्हें कैसी यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे हर तरह का फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्लासरूम्स अच्छे हों, लैब्स हों, टीचर्स की जो क्वालिटी क्वालिफिकेशन अच्छी हों, सेफ सिटी हो, सेफ कंट्री हो, और इसके अलावा कैडवर्स जैसी फैसिलिटी अवेलेबल हो। अगर कोई बच्चा इंटरनेशनल कहीं सेटल होना चाहता है तो उसे वो कोचिंग्स प्रोवाइड हो जिससे कि वो उस एग्ज़ाम को पास कर सकता है, और अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसे उसके लिए रिवॉर्ड भी किया जाए जैसे कि स्कॉलरशिप्स के थ्रू। आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में यही सब चेकआउट करने आए हैं कि क्या इस यूनिवर्सिटी में वो सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइडेड है या नहीं है, जिसको देख के कोई इंडियन स्टूडेंट्स अपना डिसीजन बाउ इंटरनेशनल में एडमिशन लेने के लिए बना सकता है।